हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ अकीदत फातिमा। आज मैं डिस्कस करूँगी क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस और चैप्टर वन से टॉपिक कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड क्यों यूज़ करते हैं और इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। कीबोर्ड क्या है, इसमें कौन कौन से कीज होती हैं और उन की से हम लोग कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। बेसिकली ये इनपुट डिवाइस भी है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला भी कीबोर्ड है। डाटा जो होता है ना, वो ज़्यादातर हम किसके थ्रू एंटर करते हैं, कीबोर्ड के जरिए। और जो कीबोर्ड पे बटन्स होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं कीज। यानी कि किसको कीज कहते हैं, जो बटन होंगे कीबोर्ड पे। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन ओवर 100 कीज। यानी कि बेसिकली जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है ना, उसमें कितने टोटल बटन होते हैं, उसमें 100 बटन होते हैं। कीबोर्ड कंटेन नमेरिक कीज, अल्फाबेटिक कीज, फंक्शंस कीज एंड स्पेशल पर्पस कीज। यानी कि वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है, उस पर बेसिकली कितने टाइप की बटन पे मुश्तमिल है, 4 टाइप के। नमेरिक कीज हो गया, अल्फाबेटिक कीज हो गया, फंक्शन कीज और स्पेशल पर्पस कीज। स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है, उसका दूसरा नाम है QWERTY। QWERTY इस कीबोर्ड को क्यों कहते हैं, इसलिए कि जो अल्फाबेटिक नमेरिक पोर्शंस हैं कीबोर्ड का, उसमें जो फर्स्ट रो है उसके 6 लेटर जो हैं वो हैं QWERTY। इस वजह से इसका नाम है QWERTY। 4 फंक्शन कीज, मेन कीबोर्ड, नमेरिक कीज, एडिशनल कीज। फंक्शंस कीज, फंक्शंस कीज क्या है, यानी F1 टू F12 आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। इसको हम लोग यूज़ करते हैं क्यों, खास फंक्शंस के लिए। कहाँ से, F1 और F12 जो है, इसको हम यूज़ करते हैं खास फंक्शंस। वैन को क्यों यूज़ करते हैं, F1 जो है ना, इसको हम लोग यूज़ करते हैं हेल्प, विंडो बटन की हेल्प के लिए, यानी ठीक है। उसके बाद F2 की बात करें, F2 जो है ना, उसमें हम Alt प्लस कंट्रोल प्लस F2 अगर प्रेस करते हैं तो ओपन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, अगर F2 को यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं, इससे जो एक्टिव सेल्व होगा जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और कंट्रोल प्लस F2 को डिस्प्ले कर सकता है प्रिंट प्रीव्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। प्रीव्यू क्या होता है ये बता देती हूँ। प्रीव्यू जो होती है, जो चीज़ आप प्रिंट, यानी कि जो चीज़ आप परफॉर्म करने से पहले चेक करते हो कि वो सही है या गलत, वो प्रीव्यू में ये शो होता है कि आपने ठीक ले रहे हो या गलत। प्रीव्यू की हेल्प से आप लोग चेक कर सकते हो टास्क को परफॉर्म करने से पहले। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं F3 क्या है। ये सारे क्या है, स्पेशल फंक्शंस हैं। इसको हम लोग यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए, फ्यूचर विंडो एक्सप्लोर। उसके बाद अगर शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करते हैं तो आप लोग चेंज कर सकते हैं लोअर केस टू अपर केस। यानी कि अगर इन दो बटन को प्रेस करते हैं तो आप जो है ना, लेटर्स को चेंज कर सकते हैं स्मॉल केस से अपर, यानी छोटे केस से बड़े केस में। उसके बाद अगर F4 की बात करें, Alt प्लस F4 क्लोज विंडो, यानी कि किसी भी टाइप की विंडो है उसको अगर हम लोग जल्दी जल्दी क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी Alt प्लस F4। ये स्पेशल फंक्शन है। उसके बाद F5 की बात करें तो ये क्या करता है, हेल्प करता है स्टार्ट करने में स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। यानी कि पावर पॉइंट एप्लीकेशन में स्लाइड आप लोग बनाते हैं, लेकिन आप पेज पे, फुल पेज पे अगर उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे F5। उसके बाद F6 की बात करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 लेट यू इजीली स्विच बिटवीन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर इसको प्रेस करेंगे तो आप लोग इजीली स्विच कर सकते हैं किसके साथ, वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ। उसके बाद F7 की बात करें, Alt प्लस F7 डज अ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। यानी कि अब जल्दी जल्दी से अगर चेक करना चाहते हैं तो किसकी हेल्प से चेक कर सकते हैं, F7 की मदद से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डॉक्यूमेंट बनाई है वर्ड पे, उस पे चेक कर लें कि स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक है या नहीं, तो किसकी मदद से है चेक करेंगे, उस वर्ड को हाईलाइट करके F7
F7 की मदद से, ठीक है। उसके बाद F7 को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F7 ओपन, छोड़ो इसको। अच्छा F8, F8 का क्या फंक्शन है? इन एक्सेल इनेबल करता है सेव मोड इन अ विंडो, इन सेव मोड को ये एनेबल कर देता है F8। F9 क्या करता है? रिफ्रेश करता है डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है मेल इन अ आउटलुक में। कंट्रोल प्लस F9 इंसर्ट करता है एम्प्टी फील्ड्स को इनटू द वर्ड में, ठीक है। एम्प्टी फील्ड मतलब खाली डॉक्यूमेंट को ये विजिबल करेगा। F10 की बात करें तो कंट्रोल प्लस F10 मैक्सिमाइज कर देता है विंडो को इन वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विंडो के पेज को क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। और F11 की बात करें तो ये क्या करता है, ये दूसरे फंक्शन के साथ मिलकर शिफ्ट प्लस F11 ऐड अ न्यू स्प्रेडशीट इन एक्सेल, यानी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया पेज ओपन करना चाहते हैं जल्दी से, तो वो F11 की 12 से ओपन कर सकते हैं, F11 की हेल्प से जल्दी ओपन ईजीली कर सकते हैं। उसके बाद F12 की बात करें तो ओपन, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से डॉक्यूमेंट को सेव करना अपनी मर्ज़ी की प्लेस पे, तो आप F11 प्रेस करेंगे तो सेव एज ओपन हो जाएगा इन वर्ड, ठीक है। ये होगी फंक्शंस कीज। फंक्शंस कीज के अलावा हम लोग आते हैं मेन कीज। मेन कीबोर्ड क्या होता है? मेन कीबोर्ड इंक्लूड द कीज फाउंड ऑन द टाइपराइटर कीपैड, यानी कि जैसे कि हो गया, आप चेक करते हैं कि मेन कीबोर्ड है क्या क्या, उसमें कौन कौन सी कीपैड है। इट्स इंक्लूड सम स्पेशल कीज, यानी कि इसमें कुछ खास किस्म की कीज होती हैं। स्पेशल कीज हैव अ डिफरेंट यूज, यानी कि उसके मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं, अफेक्ट जो होते हैं डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूजिंग, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है कि उसका किस तरह के सॉफ्टवेयर है, हर सॉफ्टवेयर पर वो डिफरेंट अफेक्ट करता है। अच्छा 101 कीबोर्ड इनहेंस कीबोर्ड क्या होता है? 101 की इनहेंस कीबोर्ड हैज़ सम एडिशनल कीज बिटवीन अ मेन कीपैड एंड द नमेरिक कीपैड, यानी मेन कीपैड जो होगा और नमेरिक कीपैड में क्या करेगा, ये कुछ एडिशनल कीज प्रोवाइड कर दे। उसके बाद स्टेटस लाइट जो होती हैं इन अपर राइट कॉर्नर, इसमें क्या होती हैं स्टेटस लाइट जो होती हैं वो कहाँ पे होंगी, अपर राइट कॉर्नर। स्टेटस लाइट क्या होता है, यानी कि अगर आप कैप लॉक ऑन करना चाहते हैं तो उसकी स्टेटस लाइट जो है वो कहाँ पे है, अपर राइट कॉर्नर। उसके बाद अब मेन कीबोर्ड में दूसरा है एस्केप की, क्या होता है एस्केप की, इसको हम लोग यूज़ करते हैं टर्मिनेट करने के लिए कमांड को या करंट टास्क, यानी कि जो भी विंडो ओपन है, जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर उसको क्लोज करते हैं तो एस्केप की प्रेस करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। कैप लॉक कीज़ क्या होता है? कैप लॉक कीज़ जो होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि स्मॉल लेटर को कैपिटल में। आप चाहते हैं कि जितने भी लेटर हैं और जब मैं टाइपिंग करूं मुझे बार बार शिफ्ट को यूज़ ना करना पड़े, तो मैं डायरेक्टली कैपिटल लेटर में सबको प्रेस कर सबको टाइप करता जाऊं, तो उसके लिए अगर आप कैप लॉक ऑन कर देते हैं तो वो सारे लेटर जो हैं वो कौन से केस में लिखे जाएंगे, कैपिटल केस में, ठीक है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं इस कंडीशन में, लेकिन बाकी ये नंबर और सिंबल पर इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद टैब की, कैप लॉक के ऊपर ये केस होती है टैब की, इसको हम लोग यूज़ करते हैं मूव करने के लिए कर्सल को नेक्स्ट टैब स्टॉप, यानी कि ये जो है वो ज़्यादा स्पेस देता है शिफ्ट के उसकी मदद से, यानी कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं मूव करने के लिए कर्सल को नेक्स्ट टैब स्टॉप में। शिफ्ट की जो होती है इसको हम लोग प्रेस करते हैं कम्बिनेशन के लिए विद अदर कीज प्रोड्यूस द अपर कीज लेटर एंड द लेटर एंड द अपर की सिंपल शो ऑन द सर्टन कीबोर्ड। शिफ्ट की जो होता है खुद कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता डायरेक्ट, हमेशा जो है वो दूसरी की से मदद से फंक्शन को परफॉर्म करेगा। इसका यूज़ लाइक कंट्रोल कीज हो गया, ऑल्ट कीज हो गया, यानी कि सब जो है वो डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म होगी। कंट्रोल कीज जो होता है इसको एग्जाम्पल देते हैं कंट्रोल प्लस F4,
इसको हम लोग यूज़ करते हैं विंडो को ओपन करने के लिए, यानी कि नई फाइल को ओपन करने के लिए। क्लो इसकी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस ओ। आर की जो होता है लाइक सेव कंट्रोल एंड द शिफ्ट की, यानी कि हो जो कोई फंक्शन सिंगल परफॉर्म नहीं करते दूसरी की हेल्प से, उनको कम्बिनेशन से ये फंक्शन हमेशा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एंटर की क्या है। एंटर की को यूज़ करते हैं हम लोग कर्सल को नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए, वो भी बिल्कुल स्टार्ट में। उसको अब हम लोग नंबर 3 नमेरिक कीज़ क्या होती हैं, वो कहाँ पे लोकेट है। ऑन दी राइट साइड ऑफ ए माउस कीबोर्ड, माउस ज़्यादातर कीबोर्ड के वो राइट साइड पे मुझे मिल होती हैं। नमेरिक कीज़ जो होती हैं यूज़ फॉर अ टू पर्पस, इनको हम लोग दो मकसद के लिए यूज़ करते हैं। डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ नम लॉक, ठीक है। जो कीबोर्ड होता है ना वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। जो लैपटॉप पे की होता है ना कीबोर्ड, उसमें नमेरिक की जो होती है वो अलहदा से नहीं होती, उसका पोर्शन अलहदा से नहीं होता, लेकिन सिर्फ सिस्टम यूनिट पे होता है, ठीक है। और कैप लॉक नम लॉक जो होता है वो सिस्टम यूनिट पे अवेलेबल होता है उसका स्टेटस, ठीक है। सेम लाइक अगर इसको ऑन करते हैं अलहदा पोर्शन को, तो तब नंबर वगैरह जो है उनको टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज वो जो 4 है ना, 4 पार्ट, वो है एडिशनल कीज। एडिशनल की कौन कौन सी है, एरोस कीज हो गया, इंसर्ट की, डिलीट की, होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, ये सारी कीज जो है ये क्या है, एडिशनल कीज। उसके अलावा प्रिंट स्क्रीन हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, पुश एंड द बैक कीज। एरोस की जो होती हैं इनको हम लोग यूज़ करते हैं मूव करने के लिए कर्सल को, यानी कि अगर कर्सल को विदाउट माउस या की पैड हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो वो एरो की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लेफ़्ट राइट अप डाउन इसको मूव कर सकते हैं। इंसर्ट की को हम लोग किसी भी चीज़ को इंसर्ट करने के लिए, और डिलीट को डिलीट करने के लिए, होम पी यानी कि ऊपर ले जाने के लिए, और एंड की स्टार्ट में आने के लिए किसी भी फाइल के। पेज अप पेज को ऊपर यानी कि ऊपर जाने के लिए पेज के, और पेज डाउन जो होता है कीज जो होती है इसको हम यूज़ करते हैं पेज के एंड पे आने के लिए। उसके बाद प्रिंट स्क्रीन हो गया, यानी कि स्क्रीन शॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन को यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन पे, जैसे कि हम लोग मोबाइल फ़ोन पे स्क्रीन शॉट लेते हैं, इसलिए सिस्टम यूनिट में स्क्रीन शॉट लेने के लिए हम लोग प्रिंट स्क्रीन को यूज़ करेंगे। स्क्रॉल लॉक हो गया, पुश एंड द पे की, इसको हम यूज़ करते हैं पुश करने के लिए स्क्रीन, यानी कि विंडो, जो अभी विंडो आपने ओपन की है, अगर यानी कि कोई वीडियो चल रही है उसको पुश करना चाहते हैं, तो वो पुश बटन या ब्रेक की हेल्प से भी आप लोग उसको पुश कर सकते हैं। और आज के लेक्चर इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।